हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीडी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज स्टोरी ऑफ क्रिकेट. तो सारे बच्चे जो है, कई बच्चों को खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, और कुछ जो है दे वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर, क्रिकेटर बनना चाहते होंगे. तो आप लोगों, और इसके बारे में आप लोगों को कई बातें नहीं भी पता होंगी और कई बातें पता भी होंगी कि उसका जो है कितना डायमेंशन क्या होता है, उसकी फील्ड का कोई डायमेंशन होता है या नहीं होता है, या पिच कितनी लंबी होती है, या उसकी जो बेल है वो कितनी कितनी बड़ी होती है, कितनी इंचेस की होती है. तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता नहीं है और इस चैप्टर के थ्रू जो है आपको पता चलेगा. और हमने जो है पहले पढ़ा था कि इसकी पिच जो है 22 यार्ड्स की होती है, और पहले जो क्रिकेट खेला जाता था वो 2 स्टंप से खेला जाता था, बट अब जो है क्रिकेट में थी जो है 3 स्टंप यूज करते हैं, और जो बॉल का वेट है उसमें भी कुछ जो है चेंज करा है उन्होंने. तो समय के साथ साथ जो है, पहले एक्चुअल में क्या होता था बच्चों, नेचुरल मटेरियल से बनता था हमारा पूरा बैट, बट अब जो है उसके पार्ट्स जो है कुछ सिंथेटिक जो है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है उसी के हिसाब जो है क्रिकेट के इक्विपमेंट्स में भी चेंज आया है. और क्या चेंज आया है इस चैप्टर के थ्रू आपको पता चलेगा. तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. तो बच्चों, ये हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमने देखा था कि जो ग्राउंड से वो डिफरेंट शेप के होते हैं उसका, जैसे, और जो हमने पढ़ा था कि जिस तरह से हॉकी का होता है या फुटबॉल का ग्राउंड होता है उसके अपने डायमेंशंस होते हैं, बट क्रिकेट के नहीं होते हैं, कि क्योंकि कई जो ग्राउंड है कुछ ओवल शेप के होते हैं, कुछ सर्कुलर होते हैं. और हमने जैसे यहाँ पे डिस्कस करा था कि ओवल होता है एडिलेड का जो है ओवल है, और सर्कुलर है चेन्नई का चिपॉक, राइट. मेलबोर्न का क्रिकेट ग्राउंड जो है इतना बड़ा है कि अगर उसमें सिक्सर मारते हैं हम तो हमें ज्यादा डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ता है इन कंपैरिजन, अगर हम कंपेयर करें फ्लोरशा कोटला ग्राउंड इन दिल्ली, क्लियर. और सेकेंड थिंग हमने क्या इसने पढ़ा था कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर कभी लड़ाई होती है, जैसे एक टीम बोलती है नहीं भाई ये आउट है, एक कहती है नहीं नो आउट, तो इसको कौन जज करता है, तो अंपायर्स होते हैं. और अंपायर्स कितने होते हैं बच्चों, 2 अंपायर्स जो उनके डिस्प्यूट को डिसाइड करते हैं. स्टंप्स की जो हाइट होती है कितनी होती है, 22 इंचेस. सेट्स ऑफ स्टंप्स 22 यार्ड्स अपार्ट. अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है बच्चों, 22 यार्ड्स. इसकी हाइट, राइट, 22 इंचेस होती है, और एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टंप्स इज 22 यार्ड्स. इट मीन्स कि जो पिच है वो 20 यार्ड्स की लेंथ की होती है. नेक्स्ट हमने पॉइंट्स इसमें पढ़ा था कि जो बेल है, जो बॉल है 5 और 6 ऑन्स की, बॉल का जो वेट है वो कितना है 5 और 6 ऑन्स, एंड 2 सेट्स ऑफ स्टंप्स 22 यार्ड्स अपार्ट. पहले 2 स्टंप्स का मैच होता है जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस करा था, और वर्ल्ड का जो फर्स्ट क्लब था हेबल्डन 1760 में, इट वॉज फॉर्मड इन 1760, और सेकेंड मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC वॉज फाउंडेड इन 1787. ड्यूरिंग 1760s एंड 1770 इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल. अब पहले क्या थोड़े से चेंजेस आए 1760 से 1770 के बीच में, जैसा हमने डिस्कस करा था, क्या चेंजेस आए कि पहले हम ग्राउंड के थ्रू जो है हम बॉल को फेंकते थे, बॉलिंग करते थे अंडर आर्म, बट अब जो है क्या चेंजेस लाए उसमें पिच में, द बॉल थ्रू द एयर रेदर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड. पहले हम ग्राउंड के अलोंग जो है अंडर आर्म फेंकते थे बॉल, बट क्या चेंजेस आए अब जो है, इससे क्या फायदा होता था बच्चों कि एक तो जब बॉलर जो है रन करके आ रहा है तो स्पिन भी ज्यादा कर सकता है, बॉल को स्विंग जो है स्विंग कर सकता है, स्पीड जो है उसकी इंक्रीज हो सकती है,
इन रिस्पॉन्स बैट्समैन है टू मास्टर टाइमिंग। और क्या चेंजेस आए, बॉल में चेंजेस आए। जो बॉल का वेट था कितना था, बॉल का वेट 5 to 6 ounces, अब जो है वेट कितना रखा है, इन बिटवीन 5.5 to 5.3 by 4 ounces एंड द विथ ऑफ द बैट टू 4 inches। और जो बैट की विथ थी इट इज 4 inches। The first leg before law was published in also around this time in 1774 में जो है first leg before law was published around this time a third stump पहले दो stump का था। ये बात आप ध्यान रखें कि पहले जो क्रिकेट खेलते थे वो 2 stump का था, but later जो changes आए उसमें 3 stump जो है add हो गए, 3rd stump। तो आजकल जो है कितने stump का है, 3, 1, 2 और 3, और इसके ऊपर जो है वो बेल रखते हैं। 3 days had become the length of a major match and this year also saw the creation of the first 6 seam। जैसे हमने डिस्कस करा था कि जो बॉल होती है उसमें जो थ्रेड से सिली रहती है तो उसको बोलते हैं 6 seam क्रिकेट बॉल। यहाँ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, डिसेप्शन का मतलब होता है तो थ्रू द एयर द बॉल इज नो लॉन्गर रोल्ड अलोंग द ग्राउंड बट सेंट थ्रू द एयर, हैज अ पॉसिबल वेराइटी ऑफ डिसेप्शन इन बॉलिंग। शॉर्ट सिलेक्शन मीन्स चॉइस ऑफ स्ट्रोक्स। लेंथ का मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द बैट्समैन एट विच द बॉल पिचेस। नेक्स्ट है इफ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट। अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, गेम्स के इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो क्या क्या होते हैं बच्चों, बॉल होता है, बैट होता है, स्टम्प्स होते हैं, बेल होती है, और हमारे क्या होते हैं, ग्लव्स होते हैं और पैड होते हैं। हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विद चेंजिंग टाइम्स। पहले क्या था बच्चों, जो क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट का जो इन्वेंशन कहाँ हुआ था, डिस्कवर इंग्लैंड में। Due to its origin in rural England, cricket's most important tools are all made of natural pre-industrial material. पहले किसका बनाता था, टोटली जो है वन पीस होता था, और वन पीस किसका होता था, वुड का, राइट। द बैट इज मेड विद लैदर ट्विन एंड कॉक। बैट किसका बना होता था, मेड विद लैदर ट्विन मीन थ्रेड एंड कॉक। Even today, both bat and ball are handmade. और अब किसके बने हैं, handmade, not industrially manufactured. पहले जो है ये किसके बने होते थे, लेदर के बने होते थे, ट्विन एंड कॉक, बट अब जो बैट और बॉल है वो किसके हैं, हैंडमेड, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर। द मेटीरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। अब समय के साथ साथ जो है चेंज हुआ। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ सिंगल पीस ऑफ वुड। पहले ये जो है सिंगल पीस का बना होता था जिसमें हैंडल भी उसी में जुड़ा रहता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 pieces। अब जो है इसमें थोड़ा सा चेंजेस आए। पहले क्या होता था बच्चों, एक पीस होते थे वुड को, सिंगल पीस में काटते थे। अब 2 पीस है, एक ब्लेड है और एक इसका दिस पार्ट मेड ऑफ केन। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 pieces, द ब्लेड विच इज मेड ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री एंड हैंडल विच इज मेड ऑफ केन। ये किसका बना होता है, केन का, और ये वुड, और जो किसका होता था, वुड ऑफ द विलो ट्री। And the handle is made of cane that became available European colonialists and trading companies, जो व्यापार करती थी, established themselves in Asia, और उन्होंने जो है एशिया में अपनी companies को establish करा। Clear? In Asia, unlike golf or and tennis, जैसे अगर हम देखेंगे golf, golf क्या होता है बच्चों, कि घोड़े में बैठ के जो है एक stick से जो है ball को हम hit करते हैं। And tennis, cricket has refused to remake its tools with industrial or man-made materials. अब अगर हम देखें कि गोल्फ की जो बॉल है या टेनिस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो किसके बने होते हैं,
with industrial or man-made materials, plastic, fiber glass, metal have been formally rejected. अगर हम क्रिकेट की बात करें तो पहले जो है इन चीजों को उन्होंने रिजेक्ट किया था, बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर अब जो है क्रिकेट में भी जो है उसके इक्विपमेंट में भी कई चेंजेस आए हैं. इन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. क्या चेंजेस आए? द इन्वेंशन ऑफ वल्केनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैच इन 1848. जब से वल्केनाइज जो है रबर आया, जब हम रबर को मिलाते हैं और उसमें कुछ जो है हीट करते समय कुछ और जो है उसमें ऐड करते हैं, लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैच्स. उसको जो है पैच्स बनाने में कब यूज हुआ ये? इन 1848. एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स, और ग्लव्स बनाने में सोन आफ्टरवर्ड्स. एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स. आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते समय जो है हम हेलमेट यूज करते हैं, मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल. अब ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें अगर हिट करना है तो ये लाइट वेट होना चाहिए. तो सिंथेटिक लाइट वेट मेटीरियल इज यूज टू मे मैटर वो हेलमेट, राइट. तो इस तरह से जो है इक्विपमेंट जो पहले कुछ और थे, फिर उसमें चेंजेस आए, फिर सिंगल पीस का बनने लगा बैट. बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी थी उसका हैंडल भी चेंज हो गया, अलग अलग जो दो पीसेस में बनाने लगे. किस तरह से ग्लव्स बनाने में या पैड्स बनाने में, किस तरह से लाइट वेट जो है मटेरियल को यूज करने लगे सिंथेटिक. तो ये चेंजेस आए. किस तरह से पहले टू स्टंप्स का जो है मैच खेलते थे, फिर आया थ्री स्टंप्स का खेलते हैं. बॉल के वेट में चेंज आया कि पहले उसका जो है वेट 5 to 6 ounces था, बट अब जो है 5.5 and 3/4 ounces. क्लियर? This is the first part of this chapter. Question क्या है? Cricket is originally a or an ancient game है, British game है, international game है. Mark the right answer. So obviously it is a British game. Next है, there is a historical reason behind both these oddities. तो यहाँ पे answer is given here. Next question है, how is cricket bat different from a hockey stick? अब next question है क्या कि cricket bat और hockey stick कैसे different है? अब पहले अगर आपने देखा होगा इन द फर्स्ट पैराग्राफ उसमें बताया था कि पहले जो हमारा बैट है कैसा रहता था, हॉकी की तरह रहता था, स्टिक की तरह, एंड फ्रॉम द बॉटम इट हैज अ कर्व. बट अब जो है चेंज हो गया है. तो क्रिकेट का बैट कैसा होता है बच्चों? स्ट्रेट होता है. व्हाइल हॉकी स्टिक हैव कर्व. हॉकी स्टिक में क्या होता है? कर्व होता है. द विड्थ ऑफ बैट इज मोर देन द विड्थ ऑफ हॉकी स्टिक, then the stick of hockey. So this is the difference between a cricket bat and a hockey stick. Now come to the second part, the origins of Indian cricket. Abhi to humne ek journal padha ki kis kahan se iska origin hua, kaise pehle khelte the aur kya usme later changes aaye. Ab hum padhenge Indian cricket ki baat. The origin of Indian cricket are to be found in Bombay and the first Indian community. सबसे पहले क्रिकेट कहाँ खेला गया? बॉम्बे में. तो ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ ज़ोरोस्ट्रियन द पारसीज. तो सबसे पहले किसने खेला क्रिकेट का गेम? एक कम्युनिटी थी ज़ोरोस्ट्रियन पारसीज. तो पारसीज ने सबसे पहले इंडिया में गेम खेला क्रिकेट का. Brought into close contact with the British. अब जो पारसी थे, ये किसके कॉन्टेक्ट में थे? ज्यादातर ब्रिटिश के. क्यों थे? ट्रेड के चक्कर में, व्यापार के वजह से. दे आर क्लोज टू ब्रिटिश, राइट. ब्रॉट इंटू क्लोज कॉन्टेक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड. And the first Indian community to westernize the Parsis founded the first Indian cricket club. अब क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्यों आया इसकी तरफ, क्रिकेट की तरफ? क्योंकि उनका ज्यादातर जो है दे क्लोज कॉन्टेक्ट किसके साथ था? ब्रिटिश के साथ. और ब्रिटिश में जो है सबसे पहले क्या खेला गया था? क्रिकेट. तो इस वजह से सबसे पहले इंडिया में किसने खेला बच्चों? पारसीज ने. और पारसीज ने ही पहला जो है फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज द पारसीज
फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, और सबसे पहले उन्होंने जो है इंडियन क्रिकेट क्लब बनाया, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे। तो सबसे पहला जो इंडियन क्रिकेट क्लब था किसने बनाया, पारसीज ने, बॉम्बे में बनाया। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट क्लब, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। क्या नाम था बच्चों, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848। तो फर्स्ट इंडियन क्लब, नाम क्या है बच्चों, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। फाउंडेड बाय पारसीज, पारसीज क्लब्स वर फाउंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटास एंड वाडिया। अब कोई भी क्लब ला रहे हैं तो उसको फंडेड करना पड़ता है कि कौन पैसा देगा, कौन पैसा लगाएगा। तो पारसी क्लब वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसीज बिजनेसमैन। तो किसने इनको, पारसीज किसने इस क्लब को फंडेड करा, फंडेड बाय पारसीज बिजनेसमैन। और पारसीज बिजनेसमैन कौन थे, टाटास थे और वाडियास थे। क्लियर, किसने फंड करा था उनके क्लब को, सबसे पहले पारसीज बिजनेसमैन लाइक द टाटास एंड वाडिया। द वाइट क्रिकेट इलाइट इन इंडिया ऑफर टू हेल्प टू द एंथुसिएस्टिक पारसीज, एंथुसिएस्टिक पारसीज। इन फैक्ट देयर वाज अ क्वेरल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, ए वाइट ओनली क्लब, एंड पारसीज क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ ए पब्लिक पार्क। अब जो टाटा वाडिया जो है इनको क्या कर रहे थे, फंड कर रहे थे, जो पहला हमारा जो है क्रिकेट क्लब बना है ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। व्हाइट क्रिकेट इलाइट, जो व्हाइट क्रिकेट जो वहां पे खेलते थे इलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प, उन्होंने जो है एंथुसिएस्टिक जो पारसीज से जो पूरे जो है एक उन्होंने अपना एक क्लब बनाया था, उनको जो है ऑफर देने से मना कर दिया। इन इंडिया ऑफर नो हेल्प टू द एंथुसिएस्टिक पारसीज इन फैक्ट। और दूसरा क्या था कि उन दोनों के बीच में क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी। क्यों होने लगी, क्योंकि वो कौन थे, बॉम्बे जिमखाना के मालिक थे क्योंकि ब्रिटिश का राज था। दूसरा कौन थे, व्हाइट मेन्स ओनली क्लब, एक ही उनका क्लब था बॉम्बे जिमखाना। एंड पारसीज क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ ए पब्लिक पार्क। अब जो पारसीज क्रिकेटर थे ये कहाँ खेलते थे, एक ओपन पार्क पब्लिक पार्क था वहां खेलने लगे। अब जो बॉम्बे जिमखाना के लोग जो थे व्हाइट मैन थे वो उनसे क्या करते थे, इवन क्वारल करते थे, लड़ाई करते थे। द पारसीज कंप्लीटेड कंप्लेंट, अब पारसीज की क्या कंप्लेंट थी बच्चों, द पारसीज कंप्लेंट दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सर्फेस। अब यहां पे क्या बोला है बच्चों कि जो पारसीज की कंप्लेंट क्या थी, पारसीज ने क्या कंप्लेंट करी कि भाई जिस पार्क में हम खेलते हैं वहां पे बॉम्बे जिमखाना के जो व्हाइट मैन है उन्होंने क्या कर रखे, गड्ढे। अब गड्ढे क्यों हुए हैं बच्चों, क्योंकि वहां पे जो है पोलो खेलते हैं, और पोलो किस में खेलते हैं, पोनी में, राइट। और पोनी में जब स्टिक से खेलते हैं तो जब वो स्टिक से बॉल को मारते हैं तो क्या होते हैं, वहां पे गड्ढे हो जाते हैं, राइट। तो उनकी कंप्लेंट है और इसकी वजह से दैट इज वाई दैट ग्राउंड या पार्क जो है अनफिट फॉर क्रिकेट। व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज वर प्रीजुडाइज इन फेवर ऑफ देयर व्हाइट कंपनीज, ऑब्वियस है जिसका राज है जो वहां पे रूल करते थे ब्रिटिश, तो उन्होंने किसका पक्ष लिया, व्हाइट मैंस का, राइट, व्हाइट कंपेटर राइट्स, उनका मतलब क्या होता है, फेलो कंट्री में सेम कंट्री को बिलोंग करते थे। द पारसीज बिल्ड देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन द राइवलरी बिटवीन द पेरिस एंड द
बॉम्बे जिमखाना हैड ए हैप्पी एंडिंग फॉर दीस। नेक्स्ट क्या हुआ कि व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज ने जो है किसका पक्ष लिया, अपने कंट्रीमैन का, वर्ड मीनिंग इज हियर फेलो कंट्रीमैन, द पारसीज बिल्ड देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना। तो पारसीज और बॉम्बे जिमखाना किसका था, व्हाइट मैन का। हैड हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पॉइनियर्स इंडियन क्रिकेट। अब पॉइनियर किसको बोलते हैं बच्चों, सबसे पहले जो है पारसीज ने इंडिया में क्रिकेट मैच खेला तो उसके पॉइनियर्स कौन हुए, पारसीज, राइट। अ पेरिस टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना। अब उनकी एंडिंग क्यों अच्छी हुई, क्योंकि पेरिस टीम ने बीट द बॉम्बे जिमखाना, किसको हराया, बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889 में। 1889 में एक मैच हुआ दोनों के बीच में और उसमें जो है पारसीज ने दे बीट बॉम्बे जिमखाना टीम। जस्ट फोर इयर्स आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, चार साल बाद आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है फाउंडेशन हुआ 1885, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज लकी टू हैव अमंग इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसीज स्टेटमेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नारोजी। ऐसा हमने सुना होगा दादा भाई नारोजी का नाम। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेंटली बाई टेस्ट एंड वन डे इंटरनेशनल। अब जो मॉडर्न क्रिकेट है किससे डोमिनेट होने लगा, टेस्ट मैच से और वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। नेशनल टीम्स के बीच में जो है उन्होंने गेम करने शुरू कर दिए। द प्लेयर्स हु बिकेम फेमस हु लिव इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट क्लब। अब क्या होता है बच्चों कि जिन्होंने जो है बहुत सारे रन मारे हैं या सबसे ज्यादा विकेट्स लिए तो उनके नाम सबको याद रहते हैं, फेमस। बट खेलते बहुत सारे लोग हैं बट सबके नाम याद नहीं रहते। जैसे आपको याद होगा MS धोनी का नाम याद होगा, विराट कोहली का याद होगा, सचिन तेंदुलकर का याद होगा, राइट। बट और भी कपिल देव का याद होगा क्योंकि वो हमारे वर्ल्ड कप जीत के लाए थे। तो ऐसे हर किसी क्रिकेट का नाम आपको याद नहीं होगा, क्रिकेटर्स का, बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, जो प्लेयर्स बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट क्लब, तो वो जो है सबके याद में रहते हैं, सबकी मेमोरीज में रहते हैं ऑफ क्रिकेट पब्लिक, आर दोस हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेम्बर इवन नाउ आर दोस हु आर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। अब बहुत सारे हैं जिनके जो है टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, उन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं, उनके नाम जो है क्रिकेट के जो इंडियन फैंस है उनके माइंड में रहता है कि भाई हाँ मेमोरीज में रहता है कि उसने इतना टेस्ट मैच खेला था। उसमें से एक नाम था CK नायडू। अब CK नायडू कौन थे, एन आउट ऑफ स्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, अपने समय के जो है क्या थे वो बैट्समैन थे, इंडियन बैट्समैन CK नायडू। Lives on the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar, Vithal, Palwankar, Balu have been forgotten. उनके साथ कई जो है क्रिकेटर्स ने खेला था, जैसे यहाँ पे कुछ का नाम दिया है, क्या क्या नाम है उनका, पलवंकर विथल, पलवंकर बालू, बट सब जो है उनको भूल गए। और उनके टाइम में कौन थे सबसे फेमस, CK नायडू। Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for Indian in its first test matches against England. जब उन्होंने इस समय नहीं है बट उन्होंने जो किसके अगेंस्ट खेला था, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था इन 1932, his place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain. तो CK नायडू कौन थे बच्चों, इंडियन क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन थे।
India's first test captain. तो उनके साथ जो कई लोगों ने खेला उन सबको भूल गए, बट उनका नाम आज भी जो है इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री में अभी भी है, क्योंकि वो इंडिया के सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट कैप्टन थे। क्या नाम है उनका बच्चों? सीके नायडू। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। अब इंडिया जो है 1932 में जो है वर्ल्ड में जो है उन्होंने अपनी एक जगह बना ली। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, अ डिकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। सबको बताया कि 1947 में हम क्या बने थे? इंडिपेंडेंट। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज के टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजन इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज एज ए कंटेस्ट between different parts of the British Empire, not sovereign nations. The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settler colony. सबसे पहला जो टेस्ट मैच खेला was played between England and Australia. और Australia जब तब उस समय जो है was still under किसके था? White settler colony. Similarly, the small countries of the Caribbean that together make up the West Indies. पहले उन्होंने छोटी छोटी टीमों ने जो है आपस में खेलना शुरू कर दिया, make up the West Indies team. और सबने सुना होगा West Indies की जो टीम थी कितनी फेमस थी, but British colonies till well after the Second World War. यहाँ पे क्या है बच्चों? True false ये है. India joined the world of test cricket before independence. क्योंकि कब करा था? 1932. कॉलोनाइजर्स डिड नथिंग टू एनकरेज द पासिस इन प्लेइंग क्रिकेट। ट्रू, उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी थी, उन्होंने मना कर दिया था, राइट? पलवंकर बालू वॉज इंडिया टेस्ट कैप्टन। क्या पलवंकर बालू कैप्टन थे? ऑब्वियस है, नो। कौन थे बच्चों? नायडू, सीके नायडू। तो ट्रू आंसर क्या है? सीके नायडू। ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट क्रिकेट अगेंस्ट क्रिकेट एज ए सॉवरेन नेशन। नो, कैसे खेला था उन्होंने? व्हाइट सेटलर कॉलोनी। इट इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स से जितना हमने पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग है, और आप लोगों ने भी देखा कि अगर समझ में आ गया है तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? तो इंडिया ने ज्वाइन करा था वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट बिफोर इंडिपेंडेंस। थर्ड पार्ट है ये बच्चों, टू पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। टेलीविजन कवरेज चेंज क्रिकेट। अब पहले अगर क्रिकेट होता था तो क्या करते थे हम? कॉमेंट्री सुनते थे, राइट? बट अब क्या हो गया, इतना हमारी सैटेलाइट के थ्रू आप जो है घर बैठे जो है मैच देख सकते हैं। टेलीविजन कवरेज चेंज क्रिकेट। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। पहले क्या था, हम लोग जो है शहरों में देख रहे थे, अब जो है टीवी कवरेज इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना एक्सपैंड हो गया, इवन एक स्मॉल टाउन में अगर हम गए या विलेज में भी सब लोग जो है मैच को देख सकते हैं। इट ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस। अब क्योंकि हमें जो है हर तरह से न्यूज पता चलती है, पहले रेडियो से पता चलती थी, अब टेलीविजन से पता चल रही है बहुत सारी न्यूज। तो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव आउटसाइड द बिग सिटीज कुड नाउ वॉच एंड लर्न बाय इमिटेटिंग। इमिटेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉपी करना। देयर हीरोज। अब पहले क्या होता था बच्चों कि जो बच्चे जो हैं क्रिकेट देख नहीं पाते थे, इंटरनेशनल गेम को नहीं देख पाते थे। क्यों? क्योंकि रीजन क्या था? दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज कुड नाउ, बट अब कैसा है बच्चों? दे कुड वॉच एंड लर्न, और उनको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, इवन उनकी कॉपी कर सकते हैं, इमिटेटिंग देयर हीरोज।
मान लो अगर MS धोनी उनका हीरो है, ये विराट कोहली है, तो उनके जो है वो शॉट्स लगा सकते हैं या उनके जो है वो कॉपी कर सकते हैं। इमिटेटिंग मीन्स कॉपी करना, नकल निकालना। तो पहले वो ये नहीं कर सकते थे क्योंकि इतनी जो है वो मैच नहीं देख पाते थे। क्यों? क्योंकि दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज, बट नाउ दे कुड वॉच एंड लर्न एंड इवन इमिटेट देयर हीरोज। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज। अब इतने ही हमारे देश में जो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है, आप लोगों को पता है हमारी भी सैटेलाइट है, किस तरह से उसके हेल्प से वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन के वजह से आप जो है टेलीविजन कंपनीज इंक्रीजेज द ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। ग्लोबल मीन्स पूरे वर्ल्ड में जो है इस तरह से एक मार्केट सा बन गया है फॉर क्रिकेट। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लिव इन सूरत। अगर आप गुजरात में सूरत में रहते हैं तो यू कैन इजीली वॉच द मैच इवन कहां पे सिडनी में हो रहा है, तब भी आप जो है उसको अपने घर में इजीली देख सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम अमंगस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे व्यूवर्स हैं। दो क्रिकेट इज नॉट आर नेशनल गेम, हमारा नेशनल गेम नहीं है क्रिकेट, हमारा नेशनल गेम क्या है बच्चों? हॉकी है। बट स्टिल हमारे जो है लार्जेस्ट, इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूवरशिप फॉर द गेम अमंगस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग ऑफ वर्ल्ड। द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया। This shift was symbolized by the shifting of the ICC headquarters from London to tax-free Dubai. क्या सिंबलाइज कर रहा है ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया? तो अभी हमने क्या देखा बच्चों कि हम जो है सैटेलाइट के थ्रू अगर दूर कहीं सिडनी में मैच चल रहा है तो यू कैन इजीली जो है उसको वॉच कर सकते हैं इवन इफ यू लिव इन सूरत या कहीं पे भी आप जो है रहते हैं तो आप जो है इजीली यू कैन वॉच द मैच, राइट। और जो बच्चे इन चीजों से दूर थे, मैच नहीं देख पाते थे, दे लिव आउटसाइड द बिग सिटीज, बट नाउ दे कैन सी या दे कैन वॉच एंड लर्न और इवन अबाउट देयर हीरोज, और इवन वो जो है उनकी नकल भी कर सकते हैं, इमिटेट भी कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रिक जो है आप वो प्ले खेलते समय जो है यूज करते हैं, राइट। अब जो यहाँ पे बोला कि दिस शिफ्ट वॉज सिंबलाइज, अब गेम सेंटर ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया, अब ये क्या हमें सिंबलाइज कर रहा है? दिस शिफ्ट वॉज सिंबलाइज बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर्स। अब आईसीसी का जो हेडक्वार्टर्स है फ्रॉम लंदन से टैक्स फ्री दुबई जो है शिफ्ट हो गया। 150 इयर्स एगो, कितने साल पहले? 150 इयर्स एगो द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स द पारसीज तो हमने अभी पढ़ा था कि हमारे जो है क्रिकेट फाउंडर्स कौन है? पारसीज हैं। फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने मैच खेला था मुंबई में, उन्होंने फर्स्ट हमारा जो है क्रिकेट क्लब बनाया था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, और उसको किसने फंड करा था बच्चों? पारसीज बिजनेसमैन ने, टाटा और वाडिया ने, क्लियर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 150 इयर्स एगो, 150 साल पहले द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स द पारसीज हैड टू स्ट्रगल टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन। तो हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने कितना स्ट्रगल करा था व्हाइट मैन से, बॉम्बे जिमखाना के जो व्हाइट मैन थे उनसे उन्होंने जो है किस तरह से क्वेल होता था, उनके बीच में लड़ाई होती थी, किस तरह से वो पोलो गेम खेलते थे, राइट।
Today, the global marketplace has made Indian players the best paid, most famous cricketers in the game, men for whom the world is a stage. This transformation was made by many smaller changes, the replacement of the gentlemanly amateur by the paid professional, the triumph of the one-day game as it overshadowed test cricket in terms of popularity, and the remarkable changes in global commerce and technology. So it is written by Ramchandra Guha, adapted from India and the Contemporary World 1 textbook in history for class 9 NCERT. So it is written by रामचंद्रा. तो आपको पता, इससे पता चला होगा कि सबसे पहले जो है क्रिकेट जो है कहाँ पे खेला गया था, इट इज अ ब्रिटिश गेम, इंग्लैंड में खेला था, और किस तरह से पारसी जो है उनके कॉन्टेक्ट में आए थे, और किस तरह से उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में एक अपना क्लब बनाया था ओरिएंटल गेम. और क्यों आए थे उनके कॉन्टेक्ट में, क्योंकि ट्रेड व्यापार करने के लिए उनसे जो है उन्होंने कॉन्टेक्ट किया था, और फिर उन्होंने देखा होगा कि वाइट मैन कैसे क्रिकेट खेलते हैं, एंड फर्स्ट टाइम दे प्लेड इन इंडिया एंड दे मेड अ क्लब. क्लब का नाम क्या था बच्चों, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब. इससे पहले हमने देखा था जब क्रिकेट खेलते थे इन इंग्लैंड और इन रूरल इंग्लैंड, तो क्रिकेट में कितने स्टंप्स होते थे, 2 स्टंप्स होते थे, और उसकी जो लेंथ होती थी कितनी होती थी पिच की, 22 यार्ड्स, और एक स्टंप का हाइट कितनी होती थी, दैट इज योर 22 इंचेस. बॉल का साइज क्या होता था बच्चों, 5.5 to 5 3/4 ounces. बट बाद में ये कितना हो गया, पहले थी बच्चों 5 to 6 inches. 5 to 6 ounces, एंड बाद में चेंज होके इसका कितना रख दिया वेट, 5.5 to 5 3/4 ounces. क्लियर. पिच का ये आप जो है थोड़े से आप ध्यान में रखें, बैट था पहले कैसा होता था, एक सिंगल पीस होता था, बाद में 2 का हो गया, ये इसका हैंडल है एंड दिस इज ब्लेड. इसकी जो है कितना बताया यहाँ पे, 4 inches. तो किस तरह से हमने देखा कि ये किसकी बनी होती है, पिलो ट्री, वुड का, और वुड भी कौन सी होती है, पिलो ट्री, और हैंडल किसका होता है, केन का, राइट. फिर हमने देखा कि किस तरह से चेंजेस आए, अब जो यहाँ पे 2 स्टंप्स थे इसके बजाय क्या चेंज आया कि 3 स्टंप्स यूज होने लगे. दूसरा हमने क्या इफेक्ट देखा कि जो डायमेंशन है ग्राउंड का, शेप कैसी है, वो डिफरेंट है. खाली पिच का डिस्टेंस जो है 22 यार्ड्स है, बट जो ग्राउंड है इट मे बी कभी कुछ भी हो सकता है, वो ओवल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, जैसे हमने एडिलेड का देखा कि ओवल शेप्ड होता है. बट अगर चिपॉक चेन्नई के अगर हम क्रिकेट ग्राउंड की बात देखें तो इट इज सर्कुलर इन शेप. और हमने ये देखा कि अगर हमें सिक्सर मारना है तो मेलबॉर्न का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो तो उसमें जो है सिक्सर मारने के लिए जो है पूरी लेंथ ज्यादा कवर करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू फ्योशा कोटला जो क्रिकेट ग्राउंड है इंटाली, तो उससे अगर कंपेयर करें तो मेलबॉर्न का ज्यादा बड़ा ग्राउंड है. क्लियर. और हमने देखा कि इंडिया में किसने करा, पारसीज ने जो है सबसे पहले इसको बॉम्बे में एक क्लब बनाया, ओरिएंटल क्लब बनाया, और उसके बाद किस तरह से उस क्लब को किसने फंड करा, और आज अगर हम देखें तो कितना पॉपुलर है क्रिकेट इन इंडिया, और किस तरह से गांव-गांव में या एक जो है टाउन में अगर हम बात करें तो सैटेलाइट के थ्रू या टेलीविजन कवरेज से जो है एक बच्चा भी जो है इजीली लर्न भी कर सकता है, देख भी सकता है, कोई भी मैच हो, इवन अगर कहीं सिडनी में हो रहा है तो यू कैन वॉच इट इजीली. क्लियर. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. क्लियर. तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इसकी समरी पढ़ेंगे,
की हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, रूल्स ऑफ क्रिकेट और जो है पूरी कंप्लीट करेंगे एंड लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द समरी एंड ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। Revise the chapter at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.